दोस्तों आज के समय में किसी भी असली या फिर नकली चीज का फर्क करना बहुत मुश्किल है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों असंभव है। आखिरकार मैं ऐसी बात आज क्यों कर रहा हूँ? दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जो नॉन वेज खाते हैं या फिर जो वेजिटेरियन नहीं है वो कभी ना कभी एग खाते ही होंगे। और हाँ, हालांकि आजकल तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो भी अंडों को खाना पसंद करते हैं और उन्हें लगता है इसमें प्रोटीन विटामिन्स होते हैं, और वाकई में इनमें प्रोटीन विटामिन्स होते हैं, तो शायद इसीलिए लोग अंडों को खाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने इस पे जानने की कोशिश की कि कौन से अंडे असली होते हैं और कौन से नकली? लेकिन दोस्तों अब आखिरकार आप सोचेंगे सभी अंडे असली ही होते हैं? नहीं दोस्तों, आप एकदम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज के समय में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नकली ना बन सके। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है लोगों ने नई मशीनों के माध्यम से या फिर नए नए तरीके अपनाकर अंडों को नकली बनाकर मार्केट में बेचा जाता है। अब शायद आप कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे नकली अंडों को तैयार कर मार्केट में बेचा जाता है, और उसके बाद हमें पता तक नहीं चलता है कि उन अंडों में असली कौन सा और नकली कौन सा है। दोस्तों अंडे को वो बनाने के लिए लोग क्या करते हैं आखिरकार आज वही जानते हैं। दोस्तों नकली अंडों को जो बनाने का जो कारोबार है वो बहुत तेजी से फल फूल रहा है, क्योंकि हमें सबको पता है इस टाइम पे मुर्गियों के अंडे मिलना तो काफी मुश्किल होता है, तो मशीनों से अंडे बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ अंडे का जो अंदरूनी जो पीला भाग यानी जिसे योक कहते हैं दोस्तों, उसका जो बाहरी सफेद हिस्सा है उसमें सोडियम एलिग्नाइट एल्यूम जिलेटिन खाने योग्य कैल्शियम जिसे तैयार किया जाता है, और इतना ही नहीं दोस्तों इसमें पानी और खाने के योग्य रंगों को मिलाकर उसे हूबहू असली अंडे की तरह बनाकर यानी कि शक्ल दे दी जाती है। अब सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि हल्के गर्म पानी यानी गुनगुने पानी में पर्याप्त मात्रा में सोडियम एलिग्नाइट लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाकर अंडे के सफ़ेद आकार की तरह एकदम तैयार कर लेते हैं, और फिर इसे जिलेटिन और बेंजोइक एसिड एल्यूम व अन्य दूसरे रसायनों के साथ मिलाकर अंडे का सफ़ेद हिस्सा तैयार कर दिया जाता है। ये तो वह उसका सफ़ेद हिस्सा जो तैयार कर दिया। अब अंडे के पीले रंग का जो हिस्सा होता है जिसे लोग बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सिर्फ पहले से जो तैयार मिश्रण है उसमें खाने योग्य पीले नींबू को रंग दे दिया जाता है ताकि वो पीले रंग का लगे, और इसके बाद तैयार सफ़ेद और पीले रंग को कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिश्रित करके अंडे के आकार में डाल दिया जाता है, और अंडे के बाहरी सफ़ेद आवरण को तेलीय मोम जिप्सम पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे तत्वों के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। और दोस्तों फिर हम इन अंडों को बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं, और ये फैक्ट्री से होकर पैक लोगों के घरों तक या फिर दुकानों में, फिर दुकानों से घरों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कभी चेक करना हो तो शायद ऐसा होता है कि जो अंडे का जो बाहरी खोल होता है अगर उसे हम जलाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो जल जाएगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है। तो सच में दोस्तों आजकल अंडों को भी प्लास्टिक का बनाकर या फिर नकली अंडों को बनाकर मार्केट में बेचा जाता है। बाकी इससे संबंधित आपका जो भी विचार या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजबल वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूंगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, टिल देन बाय।